क्या दोस्तों आपके पास लो एंड पीसी या फिर लैपटॉप है जिसमें आप लोग एक इमुलेटर के जरिए फ्री फायर गेम को खेलना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और न्यू इमुलेटर जिसकी मदद से आप लोग अपने 2 GB रैम वाले पीसी में या फिर लैपटॉप में फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करके खेल सकते हैं या फिर दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना स्किप कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस इमुलेटर के पीसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2 GB रैम चाहिए और बाकी के जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए हैं, वो पढ़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एमुलेटर कौन सा है और इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले दोस्तों जल्दी से लाइक कर दो जिसने भी नहीं करा है। अब चलिए बात करते हैं इस एमुलेटर के बारे में कि कैसे हम लोग इसे अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे और कैसे फ्री फायर गेम को इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो या फिर दूसरा कोई भी ब्राउजर हो। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन करा हुआ है, तो इसके सर्च बार में सर्च करना है KO प्लेयर। इतना सर्च करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना, फिर आप ये भी लिख सकते हो। तो इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपके सामने सबसे पहली साइट आएगी या फिर नीचे भी एक और साइट आएगी, तो मैं दोस्तों यहाँ पर जाऊंगा। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी जा सकते हो या फिर दूसरे भी ऑप्शन है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बेस्ट है जो पहले नंबर पर आती है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, या फिर ओल्डेस्ट वर्जन यहाँ पर भी है, हम लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया था एड पे। तो यहाँ पर दोस्तों 368.37 MB का दोस्तों ये है, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके। थोड़ा सा दोस्तों वेट करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, तो दोस्तों इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब तक दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो। A few minutes later. Okay, तो ये दोस्तों कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसे ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों क्रोम ब्राउजर को हम लोग क्लोज कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो लैंग्वेज रखना चाहो रख सकते हो, तो मैं तो इंग्लिश रखूंगा। फिर कर देना है, ओके करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग चूज कर सकते हो कि इसे कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं जो डिफॉल्ट है उसे रहने दूंगा और ये दोस्तों इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा सा वेट करना दोस्तों पड़ेगा हमें। तो भैया देख सकते हो कि फिनिशिंग इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर दोस्तों ये सब तो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया, मेरे ख्याल से वो इंस्टॉल हो रहा है, तो होने देते हैं भाइयों। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो चुका है और यहाँ पर रन KO प्लेयर, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो KO प्लेयर का लिखा हुआ है, पर हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे, यस कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों अपना जो ये प्लेयर है वो चालू हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कम्प्लीट मोड और कंटिन्यू स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आप लोग डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए कंप्लीट पे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू KO प्लेयर, क्लिक टू नेक्स्ट सी बिगिनर गाइड, हमें नहीं चाहिए, या फिर आपको चाहिए तो आप लोग देख सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्टर या फिर साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी दोस्तों गूगल अकाउंट है तो आप लोग दोस्तों सिंपली करिए साइन इन पे क्लिक, अगर नहीं है तो आपको करना है दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे साइन इन पे क्लिक और यहाँ पर दोस्तों अपना जो अकाउंट है वो डाल देंगे जल्दी से, एग्जिटिंग अकाउंट हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जल्दी से मैं ID और पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और अभी हम कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सर्च करेंगे फ्री फायर, क्योंकि अभी हम लोग इसमें फ्री फायर टेस्ट करेंगे इंस्टॉल करके। तो ये रही दोस्तों फ्री फायर, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। और भाई आप लोग देख सकते हो 708 MB यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, 1 बिलियन दोस्तों इसके डाउनलोड हो चुके हैं, 1 बिलियन से दोस्तों ज्यादा ही हो चुके हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसे दोस्तों हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि फिर हमें क्या करना है इंस्टॉल होने के बाद। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो गेम हो इंस्टॉल होनी चालू हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग इसे ओपन कर सकते हैं या फिर हम लोग होम में जाके भी इसे ओपन कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम लोग आ जाएंगे होम में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये रही फ्री फायर, तो जिस पे अभी हम लोग क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे हम लोग स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है लोगों आने में,
और दोस्तों इसमें आप लोगों को की मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को दोस्तों की मैपिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे दोस्तों आप लोग जल्दी से 300 लाइक कंप्लीट करा दो, 300 लाइक हो जाएंगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसकी की मैपिंग के ऊपर वीडियो ला दूंगा, क्योंकि की मैपिंग के बिना आप लोग इसमें गेम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि इसमें की मैपिंग आती नहीं है, आपको करनी पड़ेगी। तो कमेंट करके बता देना और 300 लाइक कंप्लीट करा देना तो वीडियो जल्दी से जल्दी मैं ला दूंगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि गेम आ चुकी है। यहां पर दोस्तों हम लोग मोर पे क्लिक करते हैं और साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके साइन इन कर लेते हैं और यहां पर टैप टू बिगिन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। हो सकता है कि दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम चालू करें तो थोड़ा सा रिस्पॉन्डिंग का इशू आए, चालू होने में थोड़ा सी दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों दूसरी बार चालू करेंगे तो आसानी से चालू हो जाएगी ये गेम। यहां पर आप लोग देख सकते हो और यहां पर दोस्तों म्यूजिक जो बज रहा है शायद मुझे सुनाई देगा, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप साउंड बंद रखा है इसकी वजह से। तो यहां पर मैं म्यूजिक ऑफ कर देता हूं, अभी दोस्तों मुझे सुकून मिला। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि गेम बिना किसी लैग के हमें चलती हुई दिख रही है। तो आप भी दोस्तों कुछ इस तरीके से गेम को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन की मैपिंग के ऊपर वीडियो आने वाली है तो जल्दी से जल्दी 300 लाइक कंप्लीट करा दो। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसे टेस्ट करते हैं कि ये गेम कैसे चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो गेम है वो चालू हो चुकी है और हम लोग भाइयों कर रहे हैं लैंड। तो आप लोग देख सकते हो कि गेम कितनी सही से चलती, कितनी स्मूथ है। तो आप लोग भी दोस्तों अपने लो एंड पीसी में इस गेम को इंस्टॉल करके खेल सकते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस सिमुलेटर के जरिए खेलने में। की मैपिंग के ऊपर दोस्तों वीडियो आ जाएगी, लेकिन 300 लाइक कंप्लीट करा देना, क्योंकि की मैपिंग दोस्तों इसमें होती नहीं है, आपको करनी पड़ती है। चलो बंदे इधर उतर रहे हैं तो चलिए इन पे रश करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ की मैपिंग नहीं करी है, जैसे कि भाई गन के लिए और उसके लिए आप लोग वो कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3। तो भाइयों कुछ इस एमुलेटर के जरिए आप लोग अपने लो एंड पीसी में फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना।